लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैंने जो शूज़ परचेज किया था सिर्फ 500 का, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो स्लीपिंग बैग है मेरा। तो ये जो स्लीपिंग बैग है इसके अंदर एक और एक मोटा तो नहीं बोल सकते, कंबल जैसा एक दिया हुआ है पतला एलिमेंट, जिसके वजह से जो हीट है वो अंदर ही अंदर रहती है, वो आपकी बाहर नहीं जाती और आपको ठंड से भी बचाती है। ये भी डिटैचेबल है, ये देखिए यहाँ पर भी चेन दिया हुआ है। इस स्लीपिंग बैग की एक ख़ास बात है जिसके वजह से मैंने लिया, अगर सपोज़ आप किसी गर्म एरिया में जाते हैं और ऐसा आपको लगता है कि आपको स्लीपिंग बैग की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको खोल के आप नीचे का स्लीपिंग मैट भी बना सकते हैं। देखिए पूरा खुल जाता है और खुलने के बाद ये कुछ इस तरह का बन जाता है, तो आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, दो आदमी कंफर्टेबली इसमें सो सकते हैं आराम से खुलने के बाद। और ये देखिए इसका जो चेन है वो इस साइड है, ये खुल जाता है और खुलने के बाद ये आपका सिर्फ स्लीपिंग बैग अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। एक बार मैं आपको इसकी मोटाई दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए कितना कुशन है। और ये जो स्लीपिंग बैग है मुझे पड़ा, कितने का पड़ा होगा आप एक बार गैस कीजिए, गैस कर पाए? मुझे सिर्फ ये पड़ा 1000 रुपीज़ का, तो मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़ में इट्स नॉट अ बैड डील। बाकी तो एक बार यूज़ करके ही पता लगेगा कि कैसा रहता है ये। बाकी जो मैंने इसको घर के अंदर यूज़ किया ठंड में, तो मुझे तो भाई गर्मी लगने लग गई थी, मैंने इसको उतार दिया, मतलब हटा ही दिया था। ये देखिए और जो इसके बैक पे लिखा हुआ है मैक गियर आर्टिकल, जो इनका नंबर है ग्लेशियर पैटर्न -20 डिग्री टेम्परेचर, एल शेप इनर आउटर। अभी एल शेप की जो बात कर रहे हैं, आई डाउट इसमें एल शेप है। एल शेप एक्चुअली बोलते किसको है ना, जो अलग से कंपार्टमेंट दिया होता है यहाँ इस साइड पे,
पैर रखने की जगह के लिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ है एल शेप, या मे बी हो सकता है ये एल शेप इसको कह रहे हो कि ये खुल जाता है पूरा। कुछ जो थोड़े और स्लीपिंग बैग आते हैं मार्केट में अवेलेबल है, वो सिर्फ साइड से खुलता है, वहाँ तक नीचे का पोर्शन खुलता नहीं है, खुलने के बाद मैट बन जाता है, इसलिए शायद इसको एल शेप बोल रहे हैं लोग। जो भी है, लेकिन बढ़िया लगा मेरे को ये आइटम 1000 रुपये में। तो 1500 रुपये में मेरे दो आइटम जो कि मेरे नेक्स्ट राइड में काम आने वाले तो आ गए, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील। लेकिन जो इसकी मोटाई है उसको देख के आप ये भी एक अंदाज़ा लगा देते होंगे कि इसको फोल्ड करने में कितनी मेहनत लगती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको फोल्ड किस तरह करते हैं और कितनी मेहनत मुझे लगती है इसको फोल्ड करने के लिए। चलिए एक बार कैमरा यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले फोल्ड करने के लिए मुझे इसको चेन को दोनों साइड से बंद करना पड़ेगा। उसके बाद इसको पहले हम हाफ में डिवाइड करेंगे। भाई साहब हाफ में डिवाइड करने के बाद तो ये और मोटा हो जाता है। और एक चीज़ हमें देखना है वो ये है कि इसकी जो लेंथ है वो इसके बराबरी की होनी चाहिए। छोटा हो चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो उसमें फिट आएगा। थोड़ा छोटा है, अब हम चलिए इसको फोल्ड करना शुरू करते हैं। एक बार मैं इसको उल्टा घुमा देता हूँ पहले। इसको यहीं से टाइट करके फोल्ड कीजिए ताकि धीरे धीरे जो है इसकी हवा निकलती रहे, वरना बाद में वहां पहुंचने के बाद बड़ी दिक्कत होने वाली है जब इसकी हवा नहीं निकलती है। और अगर आप बीच में थक जाए तो इसको आप घुटने से ऐसे दबा के बैठ सकते हैं, थोड़ा सा जोर से सांस लीजिए, उसका फिर से शुरू कीजिए। मेक श्योर कि जितनी इसकी हवा आप निकाल सकते हैं उतनी निकाल लें ताकि इजीली ये आपके बैग में फिट हो जाए। देखिए यहाँ तक तो मैं पहुँच गया। हाँ थक तो मैं भी गया हूँ। अब इससे पहले कि हम इसको बैग में डालें, एक बार इसको अपने पैरों के बीच में दबा लें, और जो आपका बैग है ना इसके मुंह को थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लें ताकि जो इनिशियल आप इसको अपने बैग में डालेंगे तो वो पूरी तरह घुस जाए। जाते हैं पहले। चिंता मत कीजिए, जितनी ताकत मेरी शक्ल पे दिख रही उतनी मैं लगा नहीं रहा हूँ, मैं इसको आराम से ही कर रहा हूँ, बस ना जाए किसी तरह। अब जब थोड़ा सा घुस गया है, हम जो नीचे यहाँ की जो हवा है उसको हम निकाल लें एक बार ताकि वो उस जगह पे सेटल डाउन हो जाए। अभी देखिए सेटल डाउन हो गया, अब मुझे बस इसको ऊपर खींचना है। गर्मी भी तो लग रही है। तो ये देखिए ये पूरी तरह जो है अंदर घुस गया है,
अब हम इसका कर देंगे मुंह टाइट। ये देखिए कुछ इस तरह लगेगा घुसने के बाद। थोड़ा सा मुंह को दबाया और एक बार हवा इसकी निकाल दे और थोड़ी सी। तो ये बन गया मेरा स्लीपिंग बैग रेडी। मेहनत तो बहुत लगी भाई, लेकिन ऐसे ही ब्लॉग आपको आगे मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरी इतनी सी मेहनत भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और खुश रहिए।